हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो है मेकअप लुक रक्षाबंधन स्पेशल लेके आए हुए हैं। इस तरह का हमारा फुल लुक है। चलिए समय ना गवाते हुए आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, मेकअप स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने अपने चेहरा पे CTM कर लिया है और जैसा कि हम बताएं कि हमारा स्किन ऑयली है तो इसलिए मॉइस्चराइजर अवॉइड कर रहे हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाएं। ये टोनर फिल किए हैं हम अपने चेहरे पे। आप डैब डैब करके मसाज करिए या तो हल्के हल्के हाथों से इस तरह से आप मसाज कर लीजिए। उसके बाद जो है ये प्राइमर हमारे मेकअप में सबसे ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। हमारे स्किन में जो है अच्छे से जो है हल्का सा हाथ से जो है एब्जॉर्ब करना है आपको। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आप जो है इसको हल्के हल्के हाथों से इसको जो है मसाज कर लीजिए। आईज़ पे, नेक पे और चिक पे और जो है माउथ पे सब अच्छी तरीके से आप इसको अप्लाई कर लीजिए। इस तरह से इसको करने के बाद 2 मिनट तक आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है ये फाउंडेशन इस तरह से आप चेक कर लीजिए कि आपकी स्किन का कलर का कौन सा फाउंडेशन। ये देखिए हमारे स्किन में एकदम मैच कर रहा है। ये हल्का हल्का फाउंडेशन, हम बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि सुबह का मेकअप है, इसमें जो है लाइट मेकअप ही हम आपको बताएंगे। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से जो है आप चाहे ब्यूटी ब्लेंडर से भी जो है इसको अपने चेहरे पे एब्जॉर्ब कर लीजिए, नहीं तो अपने हाथ से जो है हल्के हल्के हाथ से इसको अच्छी तरीके से अपने चेहरे में इस तरह से हल्के हल्के हाथों से अपने चेहरे में जो है उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लीजिए ताकि कहीं भी ओवर ना लगे। इस तरह से आप देखिए और जो है इसके बाद जो है हम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रहे हैं। आप चाहे शुरू से ब्लेंड कर लीजिए ब्यूटी ब्लेंडर से या हैंड से, हम दोनों से बता रहे हैं कि आप हाथ से भी मेकअप कर सकते हैं जिनके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, और जिनके पास है आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। इसलिए हम दोनों आपको बता रहे हैं कि हाथ से कैसे किया जाएगा, ब्यूटी ब्लेंडर से कैसे किया जाएगा। ब्यूटी ब्लेंडर से इसे डेप डेप करके हल्के हल्के हाथों से देखिए अच्छे तरीके से फाउंडेशन जो है हमारे चेहरे में एब्जॉर्ब हो गया। ये कंसीलर जो है हम यूज कर रहे हैं इस तरह से। हमारी नाक थोड़ी पतली है तो इसको हम थोड़ा सा चौड़ा करेंगे और ये जो है हमारा जो है ऊपर की तरफ उभरा हुआ है गाल, नीचे की तरफ थोड़ा सा वो है, इसलिए थोड़ा सा हम अपने गाल को छोटा दिखाएंगे और हमारा जो है माथा तो थोड़ा चौड़ा है इसलिए उसको थोड़ा छोटा करेंगे। इसलिए हम लाइट फाउंडेशन यूज कर रहे हैं, डार्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि लाइट जो है हमारे चेहरे में अच्छे से हो जाए। ब्राइडल मेकअप रहता है तो उसमें थोड़ा डार्क और लाइट सब करते हैं, इसलिए हम आपको लाइट मेकअप बता रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे ताकि आप नॉर्मली मेकअप आसानी से अपने घर पे आप कर सकें। इस तरीके से आप इसको डैब डैब दे के ब्लेंड करना है। ये देखिए हमारा जो है ये ब्लेंड हो गया है मेकअप। इस तरह से आप जो है इसको भी ब्लेंड कर लीजिए। ये देखिए इसमें कितना अंतर हो गया है, थोड़ा सा छोटा माथा दिखने लगा और ये आईज के नीचे जो है हम जो है फिल कर रहे हैं क्योंकि आई मेकअप थोड़ा उभर के आए, इसलिए जो है थोड़ा सा इस पर जो है कंसीलर यूज करना ज़रूरी होता है। इससे हमारा क्या है आई का मेकअप बहुत अच्छा लुक आता है, थोड़ा उभर के आता है। इस तरह से आप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए आईज के नीचे। इस तरह से हमारा मेकअप जो है अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गया है। ये जो है हम फेस पाउडर लगा रहे हैं, लूज पाउडर हो या फेस पाउडर, मतलब फेस पाउडर में लूज पाउडर भी आता है, फेस पाउडर भी आता है। ये फेस पाउडर नॉर्मली सभी लोग घर पे डेली यूज करते हैं। इससे क्या हमारा मेकअप थोड़ा सेट हो जाता है।
ये देखिए हम ब्रश से भी आपको बता रहे हैं ब्रश से कैसे लगाया जाएगा इस तरह से, और स्पंज से भी बताएं हम कि स्पंज से ऐसे लगाया जाएगा, ब्रश से इस तरह से आपको लगाना है। और इसके नीचे जो है हमें थोड़ा ज़्यादा लगाना है क्योंकि आई मेकअप थोड़ा अच्छा दिखता है। आई इस पर क्या हमारे थोड़ा मेकअप करने के लिए उसको थोड़ा सा लाइट दिखाना ज़रूरी होता है इस तरह से। ये देखिए फेस पाउडर भी हमने अप्लाई कर लिया अपने चेहरे पे इस तरह से देखिए। और प्लीज़ हमारे जो है आप शॉर्ट वीडियो को जो है आप बहुत सारा प्यार देते हैं हमारे जो है इसको भी इस वीडियो को भी प्यार दीजिए पार्लर से रिलेटिव। हम बहुत काफ़ी समय निकाल के जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। कितना मतलब परेशानी होता है हम लोग को वीडियो बनाने में कि एक तो क्लाइंट जो आते हैं हमारा गांव में पार्लर है वो लोग करवाते नहीं हैं अपने ऊपर, उन लोग क्या कि हमारा जो है मोबाइल में आएगा यूट्यूब पे वो लोग नहीं किसी को पसंद नहीं होता है कि कैमरा पे आए, इसलिए हमें खुद पे ही करना पड़ता है। और खुद पे हम कैसे टाइम निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोग ना कमेंट करते हैं ना जो है उसको चेक भी करते हैं और ना ही जो है उसका जो है कुछ मतलब लाइक करते हैं या शेयर करिए। प्लीज़ हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे मेहनत का कुछ तो रीज़न निकले। हम आप लोगों के लिए जो सोचे हैं जो करना चाहते हैं कि शायद हमारे जो है कुछ करने से आप लोग की भाई मदद हो सके, तो आप लोग प्लीज़ देखा करिए कमेंट करिए ताकि हम बता पाएँ आपको कि हम आप अच्छे से सिखा पा रहे हैं कि नहीं। चलिए बात फिर कभी करेंगे। ये देखिए इस तरह से आईज मेकअप, हम नॉर्मली आईज मेकअप बता रहे हैं आपको। इस तरह से पिंक कलर हमने लिया है अपने आईज पे फिल कर रहे हैं, कोई भी जो है आसानी से अपने आईज को कर सकता है, इसमें कुछ भी मतलब हम बता नहीं रहे हैं, बस नॉर्मली ही बता रहे हैं ताकि आप घर पर आसानी तरीके से कर सकें। और इस जो है इस तरह से हम हाइलाइटर जो है आईज हाइलाइटर जो है अपने थ्रेडिंग के ऊपर यूज कर रहे हैं ताकि हमारा थ्रेडिंग जो है अच्छा सा सेफ दिखे और आई मेकअप भी अच्छा लगे। इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, मेकअप में भी कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान और प्रैक्टिस करने की ज़रूरी है। और कोई भी हमारी वीडियो में गलती हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिए क्योंकि हम भी गांव से ही हैं और क्या है कि जिस माहौल में लोग रहते हैं वहीं का मतलब वही लैंग्वेज भी बोलते हैं। और ऐसा मतलब होता है कि हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अगर भाई कोई हमसे मिस्टेक हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिए आप लोग। ये देखिए हमने एब्रो से जो है आई शैडो पैलेट में से जो है ये ब्राउन शेप लिए हैं, ऐसे अपना एब्रो फिल किए हैं क्योंकि हमारा एब्रो बहुत लाइट है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ओवर लगने लगता है। ब्लशर हम यूज कर रहे हैं अपने जो है चिक पे, बहुत हल्का हल्का सा करेंगे क्योंकि सुबह का मेकअप है तो बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। मेकअप करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हमारा कैमरा थोड़ा ख़राब है इसलिए जो है इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है और हमारा कैमरा उतना बढ़िया जो है इसमें वीडियो दिखता नहीं है और जैसा रियल होता है वैसा नहीं आता है इसमें। और प्लीज़ एडजस्ट करिए और जैसे हो सकेगा तो हम नया मोबाइल लेने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हो जाएगा तो हम ज़रूर ले लेंगे नया मोबाइल, उस पर और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। और मोबाइल हमारा थोड़ा सही नहीं है, इसमें स्पेस भी नहीं है, ज़्यादा वीडियो भी हम अपलोड नहीं कर पाते हैं और कैमरा भी इसका काफ़ी गर्म पुराना मोबाइल हो गया है, फिर भी हम उसमें आप लोग का जो है कोशिश करते हैं कि हम आप लोग के लिए जो है वीडियो लेके आएं और आप लोगों को कुछ सिखा सकें। हमारी वजह से अगर किसी का जो है अच्छा हो जाए, कोई कुछ सीख सके, कुछ हमारे वजह से किसी को जानकारी हो सके तो हमें बहुत खुशी होगी। ये देखिए हमने जो है ये लिपस्टिक लगा लिया है और इस तरह से
हमने जो है हाइलाइटर भी यूज कर लिया है। आई मेकअप हम सबसे लास्ट में कर रहे हैं क्योंकि आई मेकअप सबसे मेकअप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसको सबसे लास्ट में आईलाइनर और मस्कारा सबसे लास्ट में ही आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि इसको जो है पहले से यूज करने पे क्या है थोड़ा आईज में क्या है पानी वगैरह आने से मेकअप ख़राब हो जाता है। तो देखिए इस तरह से टिप लगाने के बाद आई मेकअप आप करेंगे तो आईलाइनर आपका बहुत अच्छे से लग जाएगा। हमारा इस तरह से जो है आईज पे आप जो है टिप चिपका के लाइनर लगाएंगे तो अच्छे से आपका लाइनर लग जाएगा। देखिए हमने बहुत हल्के से जो है आईलाइनर लगाया हुआ है, काजल जो है अप्लाई कर रहे हैं सॉरी, और आईलाइनर क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी आईज और काली लग रही है। और आपको जैसे मतलब करना है और ज़्यादा लगाना है, थोड़ा मोटा सेव करना है तो आप मोटा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा क्या इसको जो है आईज जो ये होता है इससे हमारी आईज ठीक लगती है, थोड़ा सा मोटा लगा देते हैं तो और छोटी हमें लगती है ऐसा लगता है। और ये देखिए मस्कारा हमने जो है फिल किया है अपने आईज पे इस तरह से, इस तरह से जो है मस्कारा लगाएं आप नीचे के जो है पलकों पे। अगर आप नहीं मतलब इतना अच्छे से लगा पाते हैं तो नीचे कुछ रख के लगाएंगे जिससे आपके स्किन पे लगेगा नहीं इस तरह से। जो ये देखिए हमारा जो है मेकअप कंप्लीट हो गया है, अब ये जो है हम हेयर स्टाइल बना रहे हैं। कुछ ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा आगे से ट्विस्ट करके यहाँ पे पिन लगा लेंगे थोड़ा सा। हमारी जो है हेयर थोड़ा कम है, हमारा जो है कोई स्टाइल नहीं बन पाता है और आगे से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हेयर कम है, फिर भी हम आपको जो है हेयर स्टाइल इसी करके दिखा रहे हैं। इस तरह से आप इसको जो है इस तरह से ट्विस्ट करके लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। इस तरह से आप देखिए इसको इस तरह से जो है घुमा के थोड़ा सा फूला फूला लगेगा करेंगे। देखिए इस तरह से अच्छा लग रहा है, आगे का जो है थोड़ा सा हमने हेयर निकाल लिया है। ये देखिए कैसा लग रहा है मेकअप लुक जो है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, कमेंट में बताइए आपको जो है हमारा वीडियो कैसा लग रहा है और आपको हम जो सिखा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़, हमारी वीडियो को सपोर्ट करिए। जैसे शॉर्ट वीडियो आप लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे वीडियो को भी आप सपोर्ट करिए पार्लर की भी, और उसको फुल वॉच किया करिए। और ये देखिए हमारा पूरा मेकअप लुक क्या है, हमारा कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं है इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है, तो प्लीज़ इग्नोर कर लीजिए और उसको जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख लीजिएगा। क्योंकि हम स्टैंड में करके मेकअप कर रहे थे, अभी हम उसको निकाल के हाथ में ले लिए, इतने मेहनत से वीडियो बनाए थे तो डिलीट नहीं कर सके हैं, और आप लोग को मतलब दिखाना चाहते थे कि देखिए हमने रक्षाबंधन स्पेशल मेकअप लुक क्रिएट किया है कैसा लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो प्लीज़ आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और देखिए कैसा लगा हमारा वीडियो तो उसको जो है आप बताइए। और ये देखिए हमने लाइट जो है पूरे अच्छे तरीके से चालू नहीं किया था, अभी चालू करने के बाद देखिए हमारा